The ethical principles we have been talking about leads towards certain ethical standards. The ethical principles of psychologists and code of conduct put forward by the American Psychological Association consist of ten ethical standards. so basically the five principles Jinki have will further break down into ten ethical standards. These are written broadly what uh, specifically is Lynhike. उसमें से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्रिम एंड ट्रेल हो सकती हैं बट वो ब्रॉडली एक लार्जर एस्पेक्ट्स में सब पर अप्लाई होती हैं तो दे आर रिटर्न ब्रॉडली टू गाइड साइकोलॉजिस्ट इन वेरिड एरियाज एंड रोल्स एड्रेसिंग सिचुएशन मोस्ट साइकोलॉजिस्ट मे इनकाउंटर इन देयर प्रोफेशनल लाइफ बट नॉट ऑल बाई मोस्ट मीन दैट देर आर सर्टन सिचुएशन इन विच यू सी कि वो डिफरेंट हैं एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल सिचुएशन से बट हम उन जनरल रूल्स को देखते हुए उन सर्टन कंडीशंस के अंदर भी उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं द टाइप ऑफ सिचुएशंस इंक्लूड दोज रिलेटेड टू रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज कंपिटेंस ह्यूमन रिलेशंस इंटरक्शन जो कोवर्कर्स के साथ थेरेपी में एक पर्सन के दूसरे पर्सन के साथ और अमंग द ग्रुप हो सकते हैं देन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कहाँ तक सस्टेन करनी है uh, किस स्टेज के ऊपर उसको ब्रेक किया जा सकता है ऑल दीज गाइडलाइंस दैन एडवरटाइजिंग एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से अपने एड्स को अपनी रिसर्च को प्रोमोट कर सकते हैं कितना एडवर्टाइज कर सकते हैं उसकी कुछ सर्टन लिमिटेशन हैं और पब्लिक स्टेटमेंट्स जो हैं वो जैसे डिफरेंट uh, जगहों पर हम देखते हैं कि कोई जुडिशल uh, सिस्टम में एक जज एक पब्लिक स्टेटमेंट बहुत केयरफुली देता है इसी तरह एक साइकोलॉजिस्ट भी एक पब्लिक स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली देता है कि जस्ट कांस से कि जी इसको लेबल कर दें कि ये मैंटली uh, अनस्टेबल है या ये मेंटली स्टेबल है बिकॉज ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कैरीज़ अ वेट और वो किसी भी डिसीजन में यूज़ हो सकती हैं तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहकर uh, देखने वाले एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं दैन रिकॉर्ड कीपिंग एंड फी रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट सर्टन स्टेज वी नीड टू ट्रैक बैक द होल रिकॉर्ड वी नीड टू सी कितनी uh, जो है वो किसी क्लाइंट से पेमेंट ली गई और उसको क्या इन रिटर्न डिलीवर किया गया और वो जो फी के रैकड्स हैं वो कहीं पर मिसयूज तो नहीं हो रहे एंड थिंग्स लाइक दैट दैन रिसर्च एंड पब्लिकेशन एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट मेन्टोरिंग एंड कंटीन्यूस अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज एंड यू नो लर्निंग फ्राम द अदर इंडिविजुअल्स ये सब भी एथिकल स्टैंडर्ड्स का एक पार्ट है रिसर्च एंड पब्लिकेशन में जितना भी एक इंडिविजअल रिसर्चर एक साइकोलॉजिस्ट जो भी एक्सपीरियंसिस गेन करता है टू ओपन दम अप टू डिफरेंट पीपल उसको रिसर्च के फॉर्म में पब्लिश करना उसको पब्लिकेशन के फॉर्म में लेकर आना उस पूरी दुनिया को उन रिसर्च और उन रियालिटीज़ के बारे में बताना और उसके लिए एक सर्टन काइंड के प्रोटोकल्स को फॉलो करना दे कम अंडर एथिकल स्टैंडर्ड्स दैन असमेंट असैसमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज असमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स वुड बी डन ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स लाइक इफ यू आर लेबलिंग दैट समन हैज़ बीन असड फॉर अ सर्टन एप्टीच्यूड हम कहते हैं कि जी इसके अंदर जो है वो इस चीज़ का एप्टीच्यूड नहीं है तो वो हमने किन बेसिस पर किया तो वो टेस्ट शूड बी दैलिड बन द रिल बन फेयर एंड ऑफ इसी तरह अगर किसी को हम डिप्रेशन स्ट्रेस या एंग्जाइटी का डायग्नोसिस दे रहे हैं किसी को हम बायोपोलो पर्सनलिटी का डायग्नोसिस दे रहे हैं तो वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल गिविंग असेसमेंट टू एनी वन क्योंकि वो असेसमेंट उसके लिए कहीं पर भी यूज़ uh, हो सकती है किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ हो सकती है तो असेसमेंट शुड बी डन इन अ वेरी केयरफुल स्टेटिंग एंड देन थेरेपी तो थेरेपी के जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है जिसमें हम ट्रांसफर्स ट्रांसफर uh, की काउंटर ट्रांसफर की और बहुत सारे और एथिकल uh, स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं उसको भी अंडर कंसिडरेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है द एथिकल स्टैंडर्ड्स आर इन रूल्स एप्लीकेबल फॉर द साइकोलॉजिस्ट इन एक्डीमिया एज वेल एज इन प्रैक्टिस ये टीचिंग में भी इस्तेमाल हो रहे हैं और ये हमारे साथ साथ प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस uh, का सेशन है क्लिनिकल सेशन है उसमें भी यूज़ हो रहे हैं दीज आर इन फोर्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की नहीं बल्कि क्लाइंट्स के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी एंड अदर इंडिविजुअलॉजिस्ट के सब के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल uh, होते हैं अकोलॉजिस्ट दैट इज अम्बर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू एडहर्ट दल स्टैंडर्ड नॉट ओनली दम्बर ऑफ ए पी ए बट इफ़ द मेम्बर इज बिलोंगिंग टू बी पी ए दम्बर इज बिलोंगिंग टू पी पी ए दबर इज बिलोंगिंग टू आई सी पी को जिन भी इंटरनेशनल एसोसिएशन या एफिलियट्स के साथ काम कराए वो रूल्स सारे ए के ही फॉलो कर रहा होता है वो एथिकल स्टैंडर्स सारे ए के ही फॉलो कर रहा होता है बिकॉज दिज आर दर्टन गाइडलाइन विच आर बींग प्रोवाइडेड बाई ए लार्जली और फिर डिफरेंट मॉडिफिकेशन के साथ डिफरेंट जो साइकोलॉजी की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उसको टेलर कर लेती है एनी वायोलेशन ऑफ एन एथिकल स्टैंडर्ड मे रिजल्ट इन सेंक्शन रेंजिंग फ्राम द टर्मिनेशन ऑफ ए पी ए मेम्बरशिप और एनी एफिलियटेड मेम्बरशिप जो उस कंट्री को uh, में साइकोलॉजिस्ट को ऑफ़र हो रही हो टू लॉस ऑफ लाइसेंस अब आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान में अभी तक साइकोलॉजिस्ट के जो लाइसेंस हैं वो उस तरह से रेगुलरली इशू नहीं हो रहे बट वी आर इन डिबेट वी आर टॉकिंग अलाउट अबाउट कि क्लिनिकल प्रैक्टिस सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकता हैजिस्ट yes, कैन और प्रैक्टिस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्टिस येस दे कैन काउंसिल पीपल फॉर देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स बट दे जस्ट कॉन्ट डू क्लिनिकल प्रैक्टिस जिसमें असेसमेंट और थेरेपीज आ जाती हैं सो यू नो दीज एथिकल बींग गिवन फॉर दिनिफिस ऑफ ऑल द पीपल हो दोसाइटी जिसमें हम हर तरह की मैल प्रैक्टिस को रोक सके और कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी को भी इस तरह से डिग्रीज ना दे सके जिसको लोग मैल प्रैक्टिस में यूज़ करें और उनकी जो असमेंट है वो वैलिड ना हो लॉजिकल ना हो तो ये सारे एथिकल स्टैंडर्ड जो हैं ये ए पी ए के इस अम्ब्रेला के अंडर कंपायल हो जाते हैं